कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अमित फिर से आपका स्वागत करता हूं अड्डा 43 में। तो हम लोग कल डिस्कशन हो गया था सिलेबस के बारे में, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन आपका पहला चैप्टर था, तो हम लोग डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग का डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन मतलब होता है दिशा परीक्षण। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, दिशा परीक्षण। अब दिशा परीक्षण किसे कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि दिशा क्या होती है, कैसे क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आता है। दिशा आप लोग पहले जानते ही होंगे कि सूरज किधर से निकलता था। सूरज पश्चिम से, सॉरी पूरब से निकलता था, और अस्त कब होता था, पश्चिम में होता था, और उसके अपोजिट में उत्तर और दक्षिण रहता था, ठीक है। तो वो लोग तो कॉमन सी बात होती थी, उन लोग तो सबको पता होगा, छोटे से छोटे बच्चों को भी पता होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक मिनट, इधर से मैं बता दे रहा हूँ, इसमें रीजनिंग में उत्तर ऊपर होता है, ठीक है। ये यहाँ पर मेरा जो बिंदु है इसको ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु कहते हैं इसको। नीचे हो गया दक्षिण, इसका मतलब साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये होगा आपका ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्व, ये हो गया आपका वेस्ट, पश्चिम, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आगे क्लास। इसमें थ्री टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाइप वन, इसमें टाइप वन में जैसे कि आपको टोटल डिस्टेंस दिया रहेगा, डायरेक्शन दिया रहेगा यानी कि दिशा दिया रहेगा, और आपको टोटल डिस्टेंस पूछा जाएगा, या फिर कभी कभी शॉर्ट डिस्टेंस भी पूछ लेता है, ठीक है। टाइप टू में, आपका शैडो की जो शैडो परछाई होती है, परछाई से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। शैडो में ये परछाई से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। टाइप थ्री में आपका 90 डिग्री या 70 डिग्री एंगल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एंगल से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन, अभी मैं मिटा दे रहा हूं इसको, जैसे इसमें ऐसे क्वेश्चन आता है कि कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ, एक मिनट सॉरी, हाँ, जैसे कि कोई व्यक्ति, जैसे मान लो कोई आदमी है, जैसे मेरा नाम है अमित, तो अमित उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, ठीक है, ये उत्तर है, ऊपर उत्तर होता है, उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। तो जब कभी इधर की तरफ मुंह करके खड़ा होगा तो उसका जो लेफ्ट होगा वो इधर होगा, और जो राइट होगा वो इधर होगा। जब वो पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा होगा तो उसका राइट इस साइड में होगा, और जो उसका लेफ्ट होगा वो इधर होगा। दिशा मतलब साइड चेंज होती जाएंगी, ठीक है। और जब ये पूर्व की तरफ होगा, पूर्व की तरफ जब मुंह करके खड़ा होगा तो इसका लेफ्ट जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, और राइट जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, और जब वेस्ट की तरफ वो जब मुंह करके खड़ा होगा तो उसका अपोजिट यानी कि जो राइट इधर था वो राइट ऊपर चला जाएगा, और जो लेफ्ट था वो नीचे चला आएगा।
इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो इसके आगे फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो आप क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्वेश्चन आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है कि राजू उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है और वो 30 मीटर आगे चलता है और बाएं मुड़ता है, तथा 15 मीटर चलता है, अब वह अपने दाएं मुड़ता है, 50 मीटर चलता है एवं अंत में वह दाएं मुड़ता है और चलता है, अब उसका मुख किस दिशा में है। ठीक है, आई बात समझ में आप लोगों को, अब वह उसका मुख किस दिशा में है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया गया देखिए। चलिए, कह रहा है राजू उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। अब हम लोगों का उत्तर किधर था? इधर था। जैसे ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल ये मेन बिंदु है, अगर वो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है तो इस डायरेक्शन में खड़ा है और वो 30 मीटर आगे चलता है, यानी कि यह उत्तर की तरफ 30 मीटर सॉरी तीस मीटर उत्तर की तरफ चलता है तथा 15 मीटर चलता है, सॉरी वह 30 मीटर आगे चलता है और बाएं मुड़ता है। तो इसका बाएं किधर हुआ? बाएं किधर है? इधर देख लीजिए, इधर लेफ्ट है, लेफ्ट इसका इधर होगा। अब ये बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, और बाएं मुड़ने के बाद में 15 मीटर चलने के बाद में 50 मीटर, अब वह दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अब इसका दाया किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा, इधर 50 मीटर चलेगा। ठीक है, 50 मीटर चलता है एवं अंत में वह दाएं मुड़ता है। अब इधर का दाया किधर होगा? इस साइड में होगा और चलता। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो आपको पहले मैंने दिशा परीक्षण के बारे में बता दिया था कि उत्तर और दक्षिण, पश्चिम और पूरब। तो जब ये उत्तर की तरफ चला, उत्तर से आया वेस्ट में आया, वेस्ट से फिर ये उत्तर की तरफ गया, और उत्तर से अब यह किधर जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? ईस्ट, यानी कि पूरब। इसका मुख इस समय पूरब की तरफ है, राजू का मुंह पूरब की तरफ है। तो बस ऐसे ही बेसिक से एकदम बेसिक के स्तर से लेकर हम लोग चलेंगे। अब बहुत से लड़कों का ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वो बताएंगे कि ये तो मुझे पता है। हाँ, हालांकि उनको पता है, ऐसा थोड़ी ना कि सभी बच्चों को थोड़ी ना पता है कि बेसिक क्या होता है। जब बेसिक अगर आपका सही नहीं रहेगा तो ट्रिक भाई आप फेल हो जाएंगे। ट्रिक सिर्फ आप चार क्वेश्चन तक ही कर सकते हैं, पांचवें क्वेश्चन में आपका फेल हो जाएगा, एग्जाम में ट्रिक काम नहीं आएगी। इसलिए बेसिक और ट्रिक दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। तो आप लोग बिंदास पढ़ाई करिए, और वो कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो बस आप लोग अपने हौसलों को बुलंद रखिए और आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो पहले पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आपका तीसरा सवाल ये है कि रामा एक बिंदु पर, ठीक है, रामा एक बिंदु पर उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, वह 10 किलोमीटर सीधे चलती है और बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है और अंत में बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर? इसमें दूरी की डिस्टेंस की बात कर रहा है, वो क्वेश्चन में डिस्टेंस की बात कर रहा है, दिशा की बात नहीं कर रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है कि दूरी, उसको दूरी ज्ञात करनी है। तो आइए फिर देखते हैं कि दूरी कितनी होगी इसकी। ठीक है, रामा एक बिंदु पर उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, यानी कि रामा अगर ये बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु है, तो उत्तर इधर होगा, इधर उत्तर ऊपर की ओर होगा ना, उत्तर मुख करके खड़ी है, वह 10 किलोमीटर सीधे चलती है, यानी वो उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर सीधे चलती है, 10 किलोमीटर सीधे चलती है और बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है। तो बाएं इसका बेस्ट में होगा, 15 किलोमीटर चलती है और अंत में बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। अब जब बाएं इधर का लेफ्ट किधर होगा? लेफ्ट के तरफ, नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा और यह 10 किलोमीटर हो जाएगा। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी जो आरंभिक बिंदु यहां से जो डिस्टेंस स्टार्ट हुआ है और ये यहां पर आके पहुंची है, तो ये बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो बीच का डिस्टेंस है, ये वाला आपको ये वाला निकालना, ठीक है, ये वाला। तो आपका कितना हुआ? 15 किलोमीटर बचा ना, 10 इधर से गई, 15 इधर से गई, 10 फिर नीचे आ गई, तो बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? 15 किलोमीटर हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर इसका क्या आएगा? 15 आएगा। दैट्स क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश अपनी कार पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है, पूरा बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। रमेश अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो इसको आसान तरीके से कहते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, कह रहा है रमेश अपनी कार से पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, तो पूरब किधर था? ये मान लीजिए मूल बिंदु है, और यहाँ से जब वो 4 किलोमीटर चलता है यानी पूरब में, फिर वो कहता है फिर दाएं मुड़ता है, दाएं इसका किधर हुआ? नीचे की तरफ हुआ ना, 6 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, पुनः वो बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो इसका बायां क्या होगा? ये होगा नीचे की तरफ। रमेश अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? अब हम लोगों को ये दूरी निकालना है, आरंभिक स्थान तो इसका ये था, और ये वाली दूरी आपको निकालनी है। तो 4 तो ये है, 4 ये है, ये बचा क्या? 6 किलोमीटर। तो जो इधर वाली दूरी है यही तो इसकी दूरी होगी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अगर ये पूछ ले इस क्वेश्चन में कि उसका मुख किस दिशा में, अगर दिशा निकल, डायरेक्शन जो आपका, डायरेक्शन अगर निकालने के लिए अगर आपको बोल दे तो आप क्या बताएंगे? किस दिशा में है? ये आरंभिक स्थान है, वो पूरब की तरफ गया, पूरब से वो दक्षिण की तरफ आया, दक्षिण से वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो उसका मुख किधर है? साउथ वेस्ट में है, वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, ठीक है, देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका ये है कि राधिका अपने घर से दक्षिण में 50 मीटर गई और फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर गई, पुनः वह उत्तर की ओर 30 मीटर गई, अब उसका घर इस स्थान से किस दिशा में? इसमें आपका डायरेक्शन के बारे में पूछा हुआ है, ना कि डिस्टेंस के बारे में पूछा हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो राधिका अपने घर से दक्षिण में गई, मान लीजिए ये मेन बिंदु है, राधिका यहाँ से स्टार्ट करती है, ठीक है, ये दक्षिण में गई 50 मीटर, ओके, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर गई, बाएं इसका किधर होगा? इधर होगा, 20 मीटर गई, फिर कह रहा है पुनः हुआ उत्तर की ओर 30 मीटर गई, अब इसका उत्तर किधर होगा? उत्तर किधर है, यानी वो 30 मीटर गई, 30 मीटर गया, अब उसका घर इस स्थान से, जो ये वाला स्थान है, ना कि यहाँ से स्थान है, जहाँ से उसने स्टार्ट किया था यहाँ से स्थान नहीं पूछ रहा है, वो जहाँ पे पहुँच गई है वहाँ से स्थान पूछ रहा है कि अब उसका घर इस स्थान से किस दिशा में है, यानी आपका ये वाला पूछ रहा है। तो अगर यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पे दक्षिण है, यहाँ हो गया आपका ईस्ट, और इधर क्या बचा? साउथ बचा, तो साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सी डिस्टेंस आती है? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ, हाँ, नॉर्थ वेस्ट होगा, तो इसका क्या आएगा? उत्तर पश्चिम, और इसका राइट आंसर उत्तर पश्चिम है। अच्छा हाँ, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया था दिशा जो डायरेक्शन के बारे में, ये जो आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण, ये आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम, ठीक है, इसमें और एक्स्ट्रा डायरेक्शन होती हैं, जैसे किसके बीच की डायरेक्शन, अगर उत्तर और पूर्व के बीच में, अगर बीच में कोई डिस्टेंस पूछ ले या कोई डायरेक्शन पूछ ले तो आपका क्या आएगा? इसको कहेंगे उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच में आएगा तो इसको कहेंगे साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूरब, यहां पर आएगा इसको कहेंगे नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, इधर आएगा आपका साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन देखिए, ये उत्तर में है, इधर हो गया वेस्ट, अब उत्तर और वेस्ट में जो भी डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा? उत्तर पश्चिम आएगा ना, नॉर्थ वेस्ट में आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर पश्चिम ही होगा। ठीक है, तो हम लोग, आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आया होगा, जो भी आप इसमें गलतियां त्रुटि भी होगा आप कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं,
उसको हम कल आपको वीडियो में आपको मतलब सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो बस अलविदा लेते हैं, मैं अमित, आप लोगों का जय हिंद जय भारत।